हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 9 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो है, टेस्ट लिया था उसकी सॉल्यूशन वीडियो है। इस वीडियो में जो टेस्ट था पिछले लेक्चर में जो हमने लिया था, ये 15 जो सवाल दिए थे आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो। अगर आपने हमारे सारे लेक्चर फॉलो करे होंगे, अगर आप डायरेक्ट हमारे इसी वीडियो पर आए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे जो पहले वीडियो लेक्चर हैं वो सभी देखें, तभी आपके समझ में क्वेश्चंस और इनके आंसर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल था, किस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रक्षेप रेखाएं समांतर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम सवाल करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें देख, जैसे बोला है कि समान रेखाएं समांतर नहीं है, ऐसा बोला है, तो ये नहीं छूट जाता है जल्दबाजी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें प्रोजेक्शन लाइन पैरेलल नहीं होती है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन किया हुआ है हमारे लेक्चर में, तो उसमें आप आराम से बता दो कि जो प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक और ऑर्थोग्राफी, ये तीनों ही प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जबकि प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन यानी संदर्श प्रक्षेप में लाइन पैरेलल नहीं होती। इसमें एक पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं अगर प्लेन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ से और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो एक पॉइंट से यहाँ से देखा जाता है प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है वो किसी एंगल पर यहाँ पर पड़ती हैं प्लेन पर, और वो एक दूसरे के भी पैरेलल नहीं होती हैं। तो आपको इसमें डी ऑप्शन सही है, ये आपको लगा देना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य दृश्य नहीं है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा जो व्यू है वो प्रिंसिपल व्यू नहीं है। फिर से आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में 6 प्रिंसिपल व्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें 6 प्रिंसिपल व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम, टॉप और बैक। तो ये 6 प्रिंसिपल व्यू होते हैं। अब इनमें से देख लेते हैं, फ्रंट भी प्रिंसिपल हुआ, बॉटम भी, लेफ्ट साइड भी, ये जो ऑक्सिलरी है यानी ये जो सहायक व्यू है, ये ही प्रिंसिपल प्लेन व्यू नहीं है। तो इसमें भी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 3, सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप लाइन एक दूसरे से हो, मैंने इसमें बता दिया था, वो जो प्रोजेक्शन लाइन होती हैं ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में वो एक दूसरे के पैरेलल होती है यानी समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, लंबकोणीय प्रक्षेप में मुख्य तल हैं। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन जब हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो अर्थ होती है उसे 2 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, कुछ इस प्रकार। ये अर्थ को कुछ इस प्रकार 2 प्लेन में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपने प्रोजेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। इसमें ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको बोला जाता है वीपी, और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन दोनों का जो कॉमन नेम है वो प्रिंसिपल प्लेन या फिर रेफरेंस प्लेन यानी संदर्भ तल है। ठीक है, और एक प्लेन यहाँ पीछे होता है जिसको प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन पर हम साइड व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं, इस प्लेन पर साइड व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन हुए, HP, VP एंड प्रोफाइल। तो इसमें देख लेते हैं कौन से हैं, तो ABC तीनों में ही कोई सा भी नहीं है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो फोर्थ वाला है, हॉरिजॉन्टल, प्रोफाइल और वर्टिकल, ये 3 प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होते हैं ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में। तो आपको इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबकोणीय प्रक्षेप के कितने दृश्यों में किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऊंचाई तथा चौड़ाई प्रदर्शित की जा सकती है। फिर से प्रोजेक्शन वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया था ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है। इसमें मैं आपको एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू बना के दिखा देता हूँ, फिर उसमें देखते हैं कौन कौन सी जो
डायमेंशंस हैं वो दिखाई देती हैं। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट फिर से हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ये इधर से हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, ये फ्रंट, ये टॉप और ये साइड व्यू। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू पर इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल दिखाया है, और अगर टॉप बनाते हैं तो ये टॉप हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें ये जो ये वाली साइड है इसको हम लेंथ लिख लेते हैं, और ये जो ये वाली साइड है इसको हाइट, और ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट व्यू में कौन कौन सी आपको साइड दिख रही हैं, लंबाई दिख रही है और ऊंचाई दिख रही है, ठीक है। टॉप व्यू में लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। सिर्फ दो व्यू ही काफ़ी है तीनों ही डायमेंशन को दिखाने के लिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू में तीनों डायमेंशन दिखाई जा सकती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, दो व्यू मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बाएं से देखा गया दृश्य सम्मुख दृश्य के किस ओर बनेगा, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से देखते हैं तो वो ड्राइंग में फ्रंट के किस साइड बनेगा। तो मैंने बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब लेफ्ट से व्यू देखते हैं तो वो बनता है राइट में, और जब राइट से देखते हैं वो बनेगा लेफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। तो अब मैच करते रहना जो आपने आंसर लिखे होंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपने आंसर लिख के रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय कोणीय प्रक्षेप उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग ड्रॉ नहीं की जाती है। ये भी लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था क्योंकि फोर्थ एंगल और सेकंड एंगल में जो दोनों प्लेन्स होते हैं या व्यू होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द्वितीय कोणीय प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट का दायां दृश्य बनेगा, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन राइट हैंड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन। इसमें पूछा गया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप राइट साइड से देख रहे हो तो वो व्यू फ्रंट के किस साइड बनेगा। तो थर्ड एंगल में मैंने बताया था अगर आप राइट से देख रहे हो तो राइट में ही बनेगा, और लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में ही बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट आए हैं हमारी इस वीडियो पर तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए आप हमारे जो लास्ट लेक्चर है उनको ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए कौन सा कथन सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो इसके लिए हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा दिए थे, वैसे एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है और ये फोर्थ एंगल है। तो मैंने आपको बताया था फ्रंट व्यू हमेशा इधर से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले रहेगा ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद कौन से एंगल की बात करिए, थर्ड एंगल की, तो थर्ड एंगल यहाँ पर है। तो सबसे पहले रहेगा ऑब्जर्वर, फिर रहेगा वर्टिकल प्लेन यानी प्लेन, और फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वर प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें कौन सा वाला सही है, ऑब्जर्वर प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनमें से कौन सा पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है, मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल ड्राइंग ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें एक ही व्यू में ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशन दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो इसमें से आइसोमेट्रिक सही है, एक पिक्टोरियल ड्राइंग है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। मल्टी व्यू, ये मल्टी व्यू फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन होता है, हमने अभी पढ़ा ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में मिनिमम दो व्यू चाहिए हमें अगर हमें तीनों ही डायमेंशन चाहिए, तो मल्टी व्यू इज़ द करेक्ट आंसर। यही एक ऐसा प्ले प्रोजेक्शन है और प्रस्पेक्टिव में भी तीनों ही डायमेंशन दिखाई दे जाती है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। एक वृत्त एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के रूप में दिखाई देगा, यानी एक सर्कल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किस तरह की शेप से दिखाई देगा। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये RRB JEE में भी आया था क्वेश्चन, जो एक सर्कल है आइसोमेट्रिक में एक इलिप्स यानी एक दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का तीन किनारा एक दूसरे के साथ झुका हुआ है,
इसमें फ्रेंड्स पूछा है कि जो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके तीनों साइड्स कितने एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं। इसमें ये नहीं पूछा है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर बना होगा। इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। आइसोमेट्रिकल प्रोजेक्शन में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो साइड व्यू और फ्रंट व्यू की जो बेस लाइन होती है उसको हम 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से झुकाते हैं। तो इसमें ये वाला एंगल नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा है जो ऑब्जेक्ट की साइड्स होंगी उनके बीच का एंगल। जैसे हमने यहाँ पर ये रो कर दिया तो हमसे ये और ये एंगल पूछा है। तो ये एंगल आपको ध्यान रखना है 120 डिग्री होता है, 120 120 120, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए आइसोमेट्रिकल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की तीनों साइड के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13, आइसोमेट्रिकल प्रोजेक्शन में एक स्क्वायर लैमिना वर्ग किस रूप में दिखाई देगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है समांतर चतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में संदर्भ तलों की स्थिति होगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें फिर से प्लेन बनाने पड़ेंगे, जो रेफरेंस प्लेन है हमारे उनको हमें यहाँ फिर से ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं HP एंड VP को। ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर प्लेन, और ये जो दूसरा प्लेन है इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, ठीक है। इसको बोलते हैं VP और इसको बोलते हैं HP, ठीक है। और इनकी जो प्रतिच्छेदी लाइन होती है इसको बोला जाता है XY लाइन, संदर्भ रेखा। ये फर्स्ट एंगल है यहाँ पर, और ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो ये जो HP है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा जब हम ड्राइंग बनाते हैं। पहले एंगल की बात चली है तो पहले एंगल में जब ये HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये XY लाइन के नीचे चला जाएगा, XY लाइन के ऊपर रहेगा VP और नीचे रहेगा HP। तो इसका आंसर है B VP अबाउ द XY लाइन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द रेफरेंस प्लेन्स विल बी, यानी तृतीय कोणीय प्रक्षेप में संदर्भ रेखा की स्थिति होगी। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रिवर्स है, जैसे उसमें VP के ऊपर था इसमें HP XY लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है HP अबाउ द XY लाइन, ये HP अबाउ द XY लाइन है, ठीक है, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये था सॉल्यूशन नंबर सेकंड आपको दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।